पिछले एनालिसिस वीडियो में मैंने क्या बताया था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बताया था। हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। हेड एंड शोल्डर बनने के बाद आप देख पा रहे हैं मार्केट डाउन साइड आई निफ्टी के चार्ट में, और यहाँ पे हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिला और फिर से एक डाउन साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। ये चार्ट पैटर्न मैंने बताया था, बिल्कुल इस चार्ट पैटर्न ने वर्क किया है दोस्तों। आप देख पा रहे हैं 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी के चार्ट में भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे निफ्टी का चार्ट समझ लेते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम एनालिसिस करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जानेंगे, लेवल क्या बन के निकल के आ रहे हैं, और उसके बाद ऑप्शन चंडे तक की भी एनालिसिस करेंगे, ऑप्शन चंडे तक क्या कह रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। निफ्टी में अगर हम देखें 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ही मार्केट ने क्लोजिंग दिया है और 22,742 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग आई है। आप देख पा रहे हैं 22,700 के लेवल के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग आई है। तो कल के दिन क्या हो सकता है, अगर 22,700 के नीचे मार्केट आती है तो इस सपोर्ट के ब्रेक होने का वेट कीजिएगा। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, जो है 22,660 का लेवल, ये ब्रेक हो जाता है तो हम पुट साइड एंट्री लेंगे और उसके बाद हमारा पहला टारगेट होगा 22,533, नेक्स्ट टारगेट होगा 22,446 का लेवल। ये दोनों ही टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें निफ्टी में, तो नेक्स्ट टारगेट उसके बाद होने वाला है निफ्टी में ये वाला लेवल, ये जो लेवल आपको दिख रहा है, ये वाला लेवल हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। जो एग्जैक्टली मैं आपको लेवल बता देती हूँ कौन सा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 22,345 का लेवल है, और उसके बाद डायरेक्टली बड़ा टारगेट हम अचीव कर सकते हैं निफ्टी में, जो है 22,073 का लेवल। यहाँ तक का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ तक का मूवमेंट अचीव करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस को आपको ट्रेल करना होगा। अगर स्टॉप लॉस ट्रेल करना नहीं आता, फर्स्ट टारगेट लेके एग्जिट हो जाइएगा। अगर आप बिगनर्स हो, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है आपको, मार्केट को सीखना है, उसके बाद आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना सीखना, उसके बाद आप बड़े बड़े टारगेट अचीव कर सकते हो। तब तक आपको सीखने के लिए फर्स्ट टारगेट अचीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये निफ्टी का एनालिसिस है। ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो 200 दिन की मूविंग एवरेज और 50 डेज की मूविंग एवरेज दोनों ही ब्रेक होने के बाद ही हम कॉल साइड एंट्री लेंगे। उससे पहले कॉल साइड एंट्री लेना निफ्टी में बहुत ज़्यादा रिस्की होने वाला है। ऊपर का जो रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है वो है 22,742 का लेवल। ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद भी हम एंट्री नहीं लेंगे। एंट्री कब लेंगे, जब ये 50 डेज की मूविंग एवरेज और ये वाला रेजिस्टेंस 22,819 का ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद हम एंट्री लेंगे। फिर भी ये इस तरह से प्रोजेक्शन बनने दीजिएगा दोस्तों। अगर इस तरह से प्रोजेक्शन बनता है तो ही हम एंट्री लेंगे। डायरेक्टली अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है, बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। तो पहला टारगेट हम अचीव करेंगे यहाँ पे 50 डेज़ की मूविंग एवरेज ब्रेक होने के बाद, और ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद हम पहला टारगेट अचीव करेंगे 22,932 का। उसके बाद अगला टारगेट हमारे पास 23,108 का होने वाला है निफ्टी में। तो ये दोनों ही लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर निफ्टी इस लेवल को भी ब्रेक कर जाती है तो 23,206 का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में, ठीक है। चलिए, ये निफ्टी के एनालिसिस थी, लेवल्स मैंने बता दिए, टारगेट बता दिया। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का चार्ट हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी में आप देख पा रहे हैं सारे लेवल मैंने बना रखे, यही लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कल के दिन बैंक निफ्टी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी में भी, और आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें बनता हुआ नज़र आया था, और पिछले एनालिसिस वीडियो में मैंने ये भी बताया था। तो ये हेड एंड शोल्डर हमें सक्सेसफुल होते हुआ नज़र आया, इस तरह से रिट्रेसमेंट भी आज के दिन नज़र आया, और उसके बाद मार्केट डाउन साइड का मूवमेंट हमें दिखा सकती है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो बड़ा मूवमेंट भी पॉसिबल है, क्योंकि आज अगर हम निफ्टी में देखें, बैंक निफ्टी में देखें, तो ज़्यादा कुछ मूवमेंट मिला नहीं है, ऑलमोस्ट मार्केट साइडवेज जैसे ही चल रही थी। तो हो सकता है कल के दिन बड़ा मोमेंट मार्केट में देखने को मिले, बड़ी हलचल मार्केट में देखने को मिले। अब हमारे लिए लेवल्स क्या होने वाले बैंक निफ्टी में, 48,411 का जो लेवल है वो ब्रेक होते ही हम पुट साइड एंट्री ले सकते हैं। पहला टारगेट 48,174 और नेक्स्ट टारगेट डायरेक्टली 47,565 का लेवल होने वाला है नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में। ये तीनों ही सपोर्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं बैंक निफ्टी में। ऊपर की तरफ बात करें 200 दिन की मूविंग एवरेज और 50 डेज की मूविंग एवरेज ब्रेक होने दीजिएगा। ये जो रेजिस्टेंस है 48,825 का, ये
भी ब्रेक होने दीजिएगा। जैसे ही ये लेवल ब्रेक हो जाता है, इस तरह से प्रोजेक्शन बनता है, तो हम कॉल साइड एंट्री ले सकते हैं। पहला टारगेट हमारा 49,064 का होगा और दूसरा टारगेट 49,325 का होने वाला है। नेक्स्ट टारगेट 49,623 है और उसके बाद 49,979 का अगला लेवल होने वाला है बैंक निफ्टी में। लेकिन कॉल साइड एंट्री सेफ एंट्री कब बनेगी? जब 50 डेज की मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो जाएगी प्रॉपरली, प्राइजेक्शन के साथ ब्रेक होनी चाहिए, तभी हमारे लिए कॉल साइड सेफ एंट्री बनेगी। ठीक है, व्यू बेरिश ही है, अभी भी मेरा मार्केट डाउन साइड आ सकती है। चलिए अब देख लेते ऑप्शन चंडेता क्या कह रहे हैं। ऑप्शन चंडेता की वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है, अगर आप ऑप्शन चंडेता को देख के डेली बेसिस पे प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आपको चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। बाकी की स्ट्रैटेजी की वीडियो भी मैंने बना रखी है, जैसे कि 20 AM है, 9 AM है, 9:30 की स्ट्रैटेजी है, 200 दिन की मूविंग एवरेज जो मैंने लगा रखी है, चार्ट में आप देख पा रहे हैं 200 दिन की मूविंग एवरेज है, ये 50 डेज की मूविंग एवरेज है, दोनों ही के बारे में मैंने वीडियो बना रखे, उन वीडियो को जाके देखे, क्रॉस ओवर की भी वीडियो बना रखे, उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो आप, इतना बड़ा मूवमेंट आप कैसे कैप्चर कर सकते हो वो भी मैंने बना रखे, स्विंग ट्रेडिंग की वीडियो बना रखे, स्कैल्पिंग की वीडियो बना रखी है, 9:30 की स्ट्रैटेजी सिखा रखी है। और इंडिकेटर की बात करें तो सुपर ट्रेंड है, RSI है, बोलिंजर बैंड है, MACD है, सारी इंडिकेटर जो मैं पर्सनली लाइव मार्केट में अप्लाई करती हूँ वो सारी वीडियो मैंने आपको आपके लिए बना रखी है, आप जाके देख सकते हो, चैनल के प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएगी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फायदा उठाया जाता है, उसके लिए भी वीडियो बना रखी है। चार्ट पैटर्न है, जितने भी चार्ट पैटर्न मार्केट में वर्क करते हैं वो सारे चार्ट पैटर्न के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हो, वो वीडियो भी आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, चार्ट में ही मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखिए एम पैटर्न बनता हुआ नज़र आया था और ये एम पैटर्न मैंने बताया भी था आपको कि एम पैटर्न क्रिएट हुआ, एक रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद डाउन साइड आई मार्केट, फिर से एक रिट्रेसमेंट, फिर से मार्केट डाउन साइड आई, और फिर से मार्केट डाउन साइड आने के बाद एक रिट्रेसमेंट हमें फिर से देखने को मिला, और इस तरह से मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है कल या आने वाले दिनों में। ठीक है, तो ये प्राइजेक्शन मैंने सिखा रखा है, जितने भी प्राइजेक्शन है वो सारे प्राइजेक्शन भी सिखा रखे, जितने भी चार्ट पैटर्न है वो सारे चार्ट पैटर्न मैंने सिखा रखे, किस तरह से आपको अप्लाई करना है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न की भी स्ट्रैटेजी मैंने बता रखी है, हेड एंड शोल्डर बनने के बाद किस तरह से मूवमेंट हम कैप्चर कर सकते हैं। एक होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनने के बाद भी हम किस तरह से मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। क्रॉस ओवर होने के बाद ये देखिए दोनों ही मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर, क्रॉस ओवर की स्ट्रैटेजी भी सिखा रखी है मैंने, सेटिंग बता रखी है वीडियो में, आप जाके देख सकते हो उस वीडियो को। कैंडलस्टिक पैटर्न आप देख पा रहे हो, जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न जो यहाँ पे देखें, अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो कैंडलस्टिक पैटर्न भी वर्क करते हैं मार्केट में। ये देखिए यहाँ पे एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनी, प्लस हमारे पास दूसरा कंफर्मेशन क्या था, एम पैटर्न बना यहाँ पे, ये हमारे पास दूसरा कंफर्मेशन था, एक प्राइजेक्शन के साथ मार्केट डाउन साइड आ रही थी और यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लेने के बाद हमें और भी कंफर्मेशन हो गया कि 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, प्लस एक प्राइजेक्शन बना है और यहाँ से मार्केट डाउन साइड आ सकती है। अगर एनालिसिस सीखना चाहते हो तो मेरी डेली एनालिसिस वीडियो देख के आप धीरे धीरे एनालिसिस करना भी सीख जाओगे दोस्तों, इसके लिए डेली एनालिसिस वीडियो भी आपको देखनी पड़ेगी। जितनी भी स्ट्रैटेजीज मैं लेके आती हूँ वो सारी पेड़ को उसमें भी नहीं सिखा जाती, वो सारी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होती है दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आती हूँ, तो उन वीडियो को भी मिस मत किया कीजिए। जितनी वीडियो मैंने बना रखी है उन वीडियो को भी जाके देखिए, जो वीडियो आने वाली है मेरी स्ट्रैटेजी की उन वीडियो को भी आपको देखना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम इंडिकेटर मैंने लगा रखा है, वॉल्यूम इंडिकेटर किस तरह से वर्क करता है, क्या सेटिंग होनी चाहिए, कहाँ हमें जो है ट्रेड बनाना चाहिए वॉल्यूम देखने के बाद, वो वीडियो भी मैंने बना रखी है, स्ट्रैटेजी सिखा रखी है, उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हो, चैनल के प्लेलिस्ट में वो वीडियो भी मिल जाएगी। अभी अभी मैंने इंडिया विक्स की स्ट्रैटेजी भी सिखा रखी है आपको दोस्तों, वो वीडियो भी आप जाके देख सको, अभी अभी लेटेस्ट मैंने वीडियो बना रखी है तो वो भी वीडियो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। EMA जितने भी है, 9 EMA, 20 EMA, 5 EMA, 200 EMA, 50 EMA, जो EMA मैं अप्लाई करती हूँ लाइव मार्केट में, वो सारी EMA के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, उन वीडियो को भी आप जाके देख सकते हो। तो सारी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से वर्क करते हैं, कब हमें वर्क करना चाहिए मार्केट में, कब नहीं करना चाहिए, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ देखने जा रहे हो इंडिकेटर देखने जा रहे हो कि इंडिकेटर
कौन सा है और किस तरह से इंडिकेटर को यूज़ करना है और सेटिंग क्या होनी चाहिए। बस यही देख के आप वीडियो को छोड़ देते हो तो ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। आपको वीडियो एंड तक देखनी चाहिए ताकि स्ट्रैटेजी आपको पूरी तरह से समझ में आए। आपको कब एंट्री लेनी है कब नहीं लेनी वो मैं वीडियो में सिखाती हूँ आपको, तो वो सुनना भी आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए चार्ट पैटर्न बना, चार्ट पैटर्न बनने के बाद मार्केट अपसाइड निकली। डब्ल्यू पैटर्न एक जब भी डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो ये एक जो है बुलिशनेस की निशानी होती है और यहाँ पे एक रिप्लेसमेंट हुआ। उसके बाद आप देख पा रहे हैं मार्केट ने एक डाउनसाइड का मोमेंट दिखाया लेकिन इस लो के नीचे मार्केट नहीं आ पाई और उसके बाद मार्केट ने एक अपसाइड का मोमेंट दिखाया। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रैटेजी होती है दोस्तों। अगर मार्केट को समझना चाहते सीखना चाहते हैं तो मार्केट से जुड़े रहना पड़ेगा। आपको पेपर ट्रेड करके आप सीख सकते हो या फिर अपना कैपिटल लगा के भी सीख सकते हो, लेकिन एक ही लॉट में कीजिए। ज़्यादा लॉट आपको नहीं करना है। हीरो ज़ीरो हीरो ज़ीरो के चक्कर में बिल्कुल भी मत आइएगा। हीरो ज़ीरो वगैरह कुछ नहीं होता। मार्केट एक बार आपको हीरो ज़ीरो देगा और बाकी जितनी भी एक्सपायरी है ना वो सारे एक्सपायरी में आपका कैपिटल लेके जाएगा। तो हीरो ज़ीरो वगैरह कुछ नहीं होता है। मार्केट को सीखिए समझिए उसके बाद ही आपको मार्केट प्रॉफिट देगा, उसके बिना आपको मार्केट प्रॉफिट नहीं देने वाला। ठीक है, तो वीडियो सारी आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बता दिया सारे लेवल जो इम्पोर्टेंट लेवल होने वाले हैं, वो सारे लेवल मैंने आपको बता दिए, रेजिस्टेंस बता दिया, सपोर्ट बता दिया। नीचे की तरफ इतना बड़ा मोमेंट आप कैप्चर कर सकते हो, अगर स्टॉप लॉस को ट्रेल करना आता है तो ही आप इतने बड़े मोमेंट के लिए जाइएगा, वरना जो है 1:2 का प्रॉफिट लेके या फिर फर्स्ट टारगेट जो मैंने बताया आपको वो टारगेट लेके एग्जिट हो जाइएगा। चलिए ऑप्शन चंडेता देख लेते हैं। ऑप्शन चंडेता की वीडियो भी आपको मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट एक्सपायरी का ऑप्शन चंडेता मैंने यहाँ पे निफ्टी का ओपन कर रखा है और हम यहाँ पे देखें निफ्टी के ऑप्शन चंडेता में, तो कल के दिन जो है दोस्तों नए कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे निफ्टी में, तो निफ्टी का ऑप्शन चंडेता जो है अपडेट होगा लाइव मार्केट में। तो हमें लाइव मार्केट में ही पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैंने वीडियो में सिखा रखा है किस तरह से आपको लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करना होता है ऑप्शन चंडेता को। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कॉल पुट के लिए बिल्कुल भी मत आइएगा, कॉल पुट में बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करती हूँ। हाँ, हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं टेलीग्राम चैनल के जरिए। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना दोस्तों तो प्लीज़ शेयर कर दिया कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच सके और वो लोग भी जो है अपने कैपिटल को धीरे धीरे लॉस होने से बचा सके, अपने लॉस हुए कैपिटल को जो है रिकवर कर सके धीरे धीरे। ठीक है, एक ही दिन में रिकवर नहीं होता दोस्तों, आपको धीरे धीरे ही अपने लॉस को रिकवर करना पड़ेगा और लॉसेस होते हैं मार्केट में आए हो, लॉसेस तो होने ही वाले हैं। जब तक आप मार्केट को सीखने के नज़रिए से नहीं आओगे ना तब तक आपको लॉसेस होंगे ही होंगे। जब तक आप दूसरों के भरोसे रहोगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेता हूँ, यहाँ से मुझे डेली कॉल पुट मिलेगा और यहाँ से मैं डेली कॉल पुट लेके डेली प्रॉफिट बनाऊँगा, ये पॉसिबल नहीं है, कभी भी नहीं होगा। ये आप लिख लीजिए कि ये आपके लिए कभी भी नहीं होने वाला, आप डेली कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाओगे टेलीग्राम किसी भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं निफ्टी में क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है। निफ्टी में 20,500 का लेवल इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है, उसके बाद अगर हम देखें तो डायरेक्टली हमें 20,800 का लेवल यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको चार्ट में बताया। अगर मार्केट 20,500 आती है यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, अगर मार्केट 22,800 आती है तो यहाँ से एक डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। ये अभी तक का ऑप्शन चंडेता कह रहा है, वैसे लाइव मार्केट में अपडेट होगा क्योंकि कल निफ्टी की नई एक्सपायरी स्टार्ट होगी, कल निफ्टी का जो है ये है एक्सपायरी है और उसके बाद जो है फ्राइडे को नई एक्सपायरी स्टार्ट होगी। तो निफ्टी में अगर हम देखें निफ्टी का ऑप्शन चंडेता हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे निफ्टी का ऑप्शन चंडेता अगर हम देखें तो यहाँ पे 48,000 ये तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चंडेता है। तो जैसे कि मैंने बताया 20,500 का लेवल और एक 20,600 का लेवल कल के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है निफ्टी में, और नेक्स्ट लेवल डायरेक्टली 20,800 का होने वाला है। बाकी ये सब ओपन इंटरेस्ट है दोस्तों, लेकिन अगर ये मार्केट जो है अपसाइड निकलती है तो 20,800 का ही रेजिस्टेंस ले सकते हैं, उसके बाद एक डाउनसाइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में। ठीक है, ये कल के लिए है और फ्राइडे को जो है अपडेट होगा
नहीं एक्सपायरी स्टार्ट होगी तो न्यू ऑप्शन चेंज डेटा जो है निफ्टी का अपडेट होगा। तो चलिए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेंज डेटा क्या कह रहा है। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में कल जो है एक नया डेटा अपडेट होगा और ओपन इंटरेस्ट न्यू अपडेट होंगे, तो हमें लाइव मार्केट में ऑब्जर्व करना है कि क्या ऑप्शन चेंज डेटा कह रहा है। तो चलिए बैंक निफ्टी में हम देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में अगर हम देखें नेक्स्ट एक्सपायरी का हम यहाँ पर ऑप्शन चेंज डेटा ओपन कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी का यहाँ पे ऑप्शन चेंज डेटा ओपन कर रखा है। और बैंक निफ्टी में अगर हम देखें अच्छा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे नज़र आए, कल अपडेट होगा बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेंज डेटा, तो लाइव मार्केट में ऑब्जर्व कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 48,000 के लेवल पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, 48,500 पे भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट नज़र आ रहा है और डायरेक्टली यहाँ पे 49,000 के लेवल पर अच्छा ओपन इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। तो मार्केट अगर 48,500 ब्रेक करके अपसाइड निकल गई तो डायरेक्टली हमारे पास 49,000 का लेवल है, और अगर मार्केट 48,000 के नीचे ही रहती है और डाउन साइड का मूवमेंट दिखाती है तो 48,000 का जो लेवल है उसका सपोर्ट लेके मार्केट एक रिकवरी भी दिखा सकती है। ठीक है, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट अभी तक नज़र आ रहे हैं, कल अपडेट होगा तो कल हम ऑब्जर्व करेंगे लाइव मार्केट में। तो यही था दोस्तों वीडियो में, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले अन्य वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के एनालिसिस करना सीख सके, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके, अपने लॉस को जो है धीरे धीरे रिकवर कर सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।